हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और स्वागत करता हूं मैं आपका दीपक क्लासेस के अंदर। तो भाई, पिछली वीडियो में हमने क्या बातें कवर करी थी। हमने अपने चार क्वेश्चन इलस्ट्रेशन को कंप्लीट करे थे, बहुत अच्छे से कंप्लीट करे थे, और हम अब रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ इलस्ट्रेशन को कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो इस वीडियो में हम अपना इलस्ट्रेशन को पूरा ही खत्म कर देंगे, 10 के 10 जो बुक में आपको गिवन है। चलो जी, देर नहीं करते और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन के। भाई आपके पास छठा क्वेश्चन ये है, ठीक है, जो हमारे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। हम छठा क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, सॉरी पांचों क्वेश्चन तो कराए नहीं। चलो बेटा, इसके बाद मैं करवा दूंगा फिफ्थ क्वेश्चन, पहले छठा कर लेते हैं। ठीक है, वो मेरे दिमाग से निकल गया, पांचों क्वेश्चन रह गया था पिछली क्लास में हमारे। चलो भाई, छठा क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। छठा क्वेश्चन आपको कह रहा है जी, आपके पास ये गिवन है प्रोपोर्शन में, आपको ये प्रूव करना है। अब इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी कराया, ऐसे क्वेश्चन बहुत टाइम के होते हैं, आपको इस क्वेश्चन में सारे ही क्वेश्चन में आपको लेट करना पड़ेगा। के सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे x अपॉन में b प्लस सी बराबर y अपॉन में c प्लस a बराबर z अपॉन में a प्लस b को। भाई k लेट कर लो, ठीक है जी, जैसे मैंने पिछले फोर्थ क्वेश्चन में कराया था। अब k लेट करने के बाद सबकी वैल्यू निकल जाएगी, यहां से तीन वैल्यू निकलेगी, बताओ कौन कौन सी निकलेगी। भाई एक बार x अपॉन में b प्लस सी के बराबर होगा, एक बार y अपॉन में c प्लस a के बराबर होगा, और एक बार z अपॉन में a प्लस b के बराबर होगा। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर है बेटा, यहां तक तो ठीक है। अब यहां से हमें क्या निकालनी, x की वैल्यू फाइंड करनी। तो x इज इक्वल टू k, के पास चले जाएगा b प्लस सी। अब भाई y इज इक्वल टू k के पास चले जाएगा c प्लस a, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी, k ब्रैकेट में a प्लस b। भाई यहां से हमने क्या निकाला जी, तीन वैल्यू निकाली। अब ये वैल्यू आपको कहां पर पुट करनी है, आपको पता ही है, जो ऑप्शन में आपको प्रूफ करने को बोला है, और हम उसको प्रूफ कर देंगे। नाउ ये जी, यहां पर पुट करनी है सारी वैल्यू एक्स वाई जेड की। थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, कोई बात नहीं, बड़ा होने दो, आंसर आना चाहिए। वाई माइनस जेड अपॉन में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर y ब्रैकेट में z माइनस एक्स अपॉन में c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, z ब्रैकेट में x माइनस y अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, इसको प्रूफ करना है। x की वैल्यू दे रखी है, डालो x की वैल्यू k b प्लस सी, ये है x की वैल्यू। ठीक है बेटा, ये x की वैल्यू है, पहले इसको ठीक से करना। x की वैल्यू ये डाली है, अब y की वैल्यू डालेंगे। y क्या है, k ब्रैकेट में c प्लस a। अब डालेंगे z की वैल्यू, k ब्रैकेट में a प्लस b। ये हुआ हमारा एक पार्ट b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, सेम एज इट इधर डालो। y की वैल्यू क्या है, k c प्लस a, और z की वैल्यू क्या है, k a प्लस बी, और माइनस में k क्या है, माइनस में k b प्लस सी, और नीचे जो है वह एजिटिव उतार दो, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। z की वैल्यू क्या है भाई, k a प्लस बी। भाई x की वैल्यू क्या है, k b प्लस सी, और y की वैल्यू क्या है, k a प्लस बी। इसको करने के बाद y की वैल्यू ठीक कर लो, y की वैल्यू है c प्लस a, y की वैल्यू क्या है, c प्लस a अपॉन में क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, के बी प्लस सी एज इट इज। भाई इधर से के कॉमन निकालो, देखो ये भी के है और ये भी के है, सेम एज इट इज, इधर इधर भी के है और इधर भी के है, तो के कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा बताना जरा। के कॉमन निकालेंगे तो अंदर बच जाएगा, इधर बचेगा सी प्लस ए, और इधर से के कॉमन निकालेंगे तो माइनस ए और माइनस बी, माइनस अंदर जाएगा, ये वाला माइनस एक बार इसके पास जाएगा और इसके पास जाएगा। ठीक है भाई,
आ रहा है समझ में, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आगे बटे के इज इक्वल टू सी प्लस ए, के कॉमन निकालेंगे दस से तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, माइनस इधर भी ब्रैकेट के अंदर जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब के इज इक्वल टू ए प्लस बी और के कॉमन निकालेंगे क्या हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए। ये भाई अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जो आपसे काट जो कट रहा है वो काट देते हैं। सबसे पहले ए और ये कट रहा है, बी और बी कट रहा है, और सी कट रहा है, ठीक है। अब क्या बच गया आपके पास भाई, के इज इक्वल टू बी प्लस सी और क्या बचा के इज इक्वल टू सी माइनस बी अपॉन में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू के इज इक्वल टू सी प्लस ए। अंदर क्या बचा के इज इक्वल टू ए माइनस सी और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, के इज इक्वल टू ए प्लस बी। अंदर क्या बच गया के इज इक्वल टू बी माइनस ए और जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे क्या हुआ के भाई सारे मल्टीप्लाई में है तो मैंने कहा ये के हो गया के स्क्वायर और इस बी प्लस सी को मैंने करा सी प्लस बी, चेंज कर लिया, कर सकता हूं प्लस में और ये अंदर बचा सी माइनस ए। तो भाई के को तो लिया है बाहर और मल्टीप्लाई करते के स्क्वायर हो गया, के को बाहर लाके क्या करा इधर से इधर लाके मल्टीप्लाई के स्क्वायर और उसको कर दिया चेंज और इसके पास ले आया। फॉर्मूला बन गया मेरा, क्या बन गया, एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, मतलब c प्लस बी सी माइनस सॉरी c माइनस बी, क्या बन जाएगा भाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा a प्लस सी और a माइनस सी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है जी, यहां तक। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद है आपके पास के स्क्वायर इधर और एक बार ए बी प्लस ए, चेंज कर लेंगे इसको बी प्लस ए और इधर बच जाएगा बी माइनस ए अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक आपके पास सही है। इसके बाद आपको करना है भाई नीचे का स्क्वायर खोलेंगे, कैसे खोलेंगे जी, ये देखो के स्क्वायर इधर बचा एक बार सी प्लस बी और क्या बचा सी माइनस बी और नीचे क्या बच गया एक बार बी प्लस सी और एक बार बी माइनस सी। ठीक है जी, इधर भी के स्क्वायर क्या बचा ए प्लस सी और ए माइनस सी अपॉन में c प्लस ए एक बार और एक बार c माइनस ए, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में फॉर्मूला पता है ना आपको, नहीं पता तो लिख देता हूँ अभी मैं b प्लस ए और b माइनस ए अपॉन में a प्लस बी एक बार और एक बार a माइनस बी। ठीक है जी, फॉर्मूला क्या होता है लिख देता हूँ मैं, a का स्क्वायर x में फॉर्म में लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, एक बार x प्लस वाई और एक बार x माइनस वाई, ये आइडेंटिटी है आपके पास। भाई आप देखो b प्लस सी और c प्लस बी कट गया, a प्लस ए कट गया और यहां से ए कट गया, तो भाई क्या निकल के आया, निकल के आया k स्क्वायर। और भाई जरा ध्यान देना बच्चे, इधर ध्यान देना, इधर से मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूं बेटा, जब मैंने इधर से माइनस को में निकालना जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का बन गया, क्या बी माइनस सी कर सकता हूँ इसके लिए मैं। ठीक है जी, यहां तक समझ में आया, ये मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, ये और नीचे बी माइनस सी ऐसी आ गया, ये मल्टीप्लाई में है। सेम ऐसे कर सकता हूँ के स्क्वायर माइनस कॉमन निकाला तो क्या हो गया सी माइनस ए हो गया
अपॉन में सी माइनस ए इजिकल टू के स्क्वायर, भाई माइनस कॉमन निकाला तो क्या हो गया बी माइनस ए हो गया अपॉन में सॉरी ए माइनस बी हो गया, उल्टा हो गया माइनस कॉमन निकालने में, जिसके बाद प्लस है वो माइनस का, इसके बाद माइनस का वो प्लस का हो गया। अब क्या बच गया, ये और कैंसिल, यहां से यहां कैंसिल, यहां से यहां कैंसिल, ऊपर क्या बच गया, ऊपर माइनस के स्क्वायर बचा, माइनस के स्क्वायर, इधर भी माइनस के स्क्वायर और इधर भी माइनस के स्क्वायर। तो भाई बात बराबर है, माइनस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तो हमने कहा ये सारी बातें हमारी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। Hence, proof. ये लो जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा जी देखो P अपॉन में बी माइनस सी आपके पास दे रखा है और आपको दो चीज प्रूव करनी, एक तो ए जीरो के बराबर प्रूव करना है इसको और एक को ये जीरो के बराबर प्रूव करना है। तो दो आपके पास इधर केस है, एक P प्लस क्यू प्लस आर जीरो के बराबर प्रूव करना है और एक पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी को जीरो के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, ये भी प्रूफ करने वाली कंडीशन है, तो मैंने कहा था लेट कर लेना, लेट P अपॉन में B माइनस सी बराबर Q अपॉन में C माइनस A बराबर R अपॉन में A माइनस B इजिकल टू K लेट कर लेना, ये कहा था भाई। इसके बाद मैंने कहा था वैल्यू निकालना, तो एक बार P अपॉन में B माइनस सी K के बराबर होगा, एक बार Q अपॉन में C माइनस A K के बराबर होगा और एक बार R अपॉन में A माइनस B इक्वल टू K के बराबर होगा। तो भाई इधर से किसकी वैल्यू निकालेंगे, इधर से वैल्यू निकाल लो P की, तो भाई P की वैल्यू क्या आ गई K B माइनस C और Q की वैल्यू क्या आ गई K C माइनस A और R की वैल्यू क्या आ गई K A माइनस B। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पे P की वैल्यू क्या आ गई के बी माइनस के सी, क्यू की वैल्यू क्या आ गई के सी माइनस के ए और आर की वैल्यू क्या आ गई के ए माइनस के बी। ठीक है भाई, ये आपके पास वैल्यू निकल गई, P की वैल्यू निकली Q की और R की। अब आप ये देखो कि आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करनी है दो चीज, एक तो P प्लस Q प्लस R जीरो के बराबर प्रूफ करना है, तो पहले यही कर लेते हैं। ठीक है भाई, नाउ क्या करना है, P प्लस Q प्लस R को जीरो के बराबर, भाई P की वैल्यू क्या है डाले डालना, P की वैल्यू है KB माइनस KC, KB माइनस KC, Q की वैल्यू क्या है KC माइनस KA और R की वैल्यू क्या है KA माइनस KB बराबर जीरो लेके आना है। खोल लो भाई KB माइनस KC प्लस KC माइनस KA प्लस KA माइनस KB बराबर जीरो, तो भाई कौन कौन सी वैल्यू कट गई, भाई सारे कट गए KC से KC, KA से KA और KB से KB, तो जीरो बराबर जीरो, तो LHS बराबर RHS आया। ठीक है जी, यहां आपका कंप्लीट होता है। अब इसके बाद सिचुएशन, ये तो केस, ये तो एक था, अब भाई दूसरा हमें क्या प्रूफ करना था, दूसरा भी देखो P ये को ये प्रूफ करना था, P A Q B और R C को जीरो बराबर था, P A प्लस Q B प्लस R C को जीरो बनाना था। भाई करें, P की वैल्यू क्या थी KB माइनस KC और A मल्टीप्लाई में, Q की वैल्यू क्या थी KC माइनस KA और B मल्टीप्लाई में और R की वैल्यू KA माइनस KB और C मल्टीप्लाई में। ठीक है जी, A को पहले अंदर भेज देंगे तो KAB माइनस KAC प्लस KBC माइनस के ए बी प्लस के ए सी माइनस के बी सी इक्वल टू जीरो, भाई क्या कटा के ए बी
से के भी कट गया, के ए सी से के ए सी कट गया, के बी सी से के बी सी कट गया। तो हमने कहा भाई ये भी हमारा क्या आ गया, जीरो बराबर जीरो आया। तो मैंने कहा एल एच एस बराबर है आर एच एस के, यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। ठीक है जी, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। भाई आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, कुछ ऐसे कह रहा भाई ए और बी का रेशियो आपको गिवन है, बी और सी का रेशियो गिवन है और सी और डी का रेशियो गिवन है, आपको इसको कंटिन्यूड रेशियो में इसको बनाना है। ठीक है, द मार्क्स ऑब्टेन बाय फोर एग्जामिनी, चार एग्जामिनी ने मार्क्स ऑब्टेन करा, ए बी सी डी चार एग्जामिनी है, उन्होंने मार्क्स ऑब्टेन करे हुए हैं। ए और बी का रेशियो दे रखा है, बी और सी का दे रखा है, सी और डी का दे रखा है, आपको ए बी सी डी का रेशियो निकालना है। तो इस केस में आपको क्या करना है जी, सबसे पहले ए रेशियो बी आपको क्या गिवन है, 2:3, और बी रेशियो सी आपको क्या गिवन है, 4:5। ठीक है जी, यहां तक 4:5 आपको गिवन है। अब इसमें क्या करना है, आपके बराबर करने के लिए आपको बनना है भैया इसके अंदर बी को बराबर लेके आना है। ठीक है, बराबर करने के लिए क्या करोगे आप, इसमें बराबर करने के लिए आपको क्या करना है, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करनी है, इस पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई करना है 4 से और इस पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई करना है 3 से। जब आप इस रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका जो आंसर निकलेगा 8:3 और सॉरी 8:12 और 12:15। तो भाई इस केस में आपका बी और बी तो सेम हो गया, 12 और 12। ठीक है जी, यहां पर आपका रेशियो को बराबर कर दिया। अब बराबर ये भी करना है कि हमें नाउ अभी तो ए और बी, ए बी और बी सी में देखा, अब हम देखेंगे बी सी और सी डी में। भाई बी सी का रेशियो अभी अभी आपने निकाला 12:15 और सी डी का रेशियो अभी भी आपने क्या देखा है, 7:9। अब भाई किससे मल्टीप्लाई करूं जो ये क्या बन जाए, ये बन जाए बराबर, सी और डी क्या आ जाए भाई, बराबर आ जाए। तो भाई इसको कर दो आप किससे, इसको कर दो भाई 7 से और इसको कर दो 15 से, उल्टा कर देंगे भाई, इसको बराबर लाने के लिए इधर से मल्टीप्लाई, इसको इसको लाने के लिए इधर से मल्टीप्लाई, इसको लाने के लिए इधर मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, जब आप ऐसा कर दोगे तो आपका क्या निकल के आएगा बच्चे, आपका निकल के आएगा ये रेशियो होगी 12:84:105 और ये भी 105:135। भाई यहां पर तो आपका मैच कर गया, ये बातें आपके यहां से मैच कर गई भाई, सी तो मैच करा पर यहां पर देखोगे तो बी गड़बड़ कर गया बेटा बी गड़बड़। भाई पहले बी था 12:12, अब बी आपके पास 84 हो गया, क्या हो गया 84, तो ये और ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। अब इसको बराबर लेके आते हैं, फिर सारी रेशियो को इकट्ठा कर देंगे। भाई मेरे को सी बराबर लिया, अब मैं बी भी बराबर ले आता हूं। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगेन ए और बी के रेशियो पे जो कि आपको क्या दे रखा था 8 और 12, भाई अब 12 को क्या बनाना है, बी को क्या बनाना है, बी को जो बनाना है वो 84 बनाना है ठीक करने के लिए। तो भाई किससे मल्टीप्लाई करूं, तो भाई आप जानो ना 12 को 84 बनाने के लिए क्या करना है, 7 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 12 से 84 बन जाएगा। तो भाई आपका आंसर क्या आएगा, 7:8:56 रेशियो, भाई ये लो आपका रेशियो बन गया। नाउ अब आपके पास क्या बचा, नाउ अब मैं आपको दिखाता हूं सारी रेशियो करके। नाउ ए रेशियो बी देखो, बी रेशियो सी देखो और सी रेशियो डी देखो। भाई चेक करो ए रेशियो बी आपके पास कितना दे रखा है, ए रेशियो बी आपके पास दे रखा है 56:84। तो भाई बी रेशियो सी 84:105 और ये 105:135। क्या मैं इसको कंटिन्यू रेशियो में ले सकता हूँ, हाँ भाई कंटिन्यू रेशियो क्या होगी भाई,
कॉन्टिन्यूड रेशियो क्या होगी भाई, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी क्या होगा बताना जरा। 56 रेशियो, 84 रेशियो, 105 और 135, यहां पर आपका सोल्यूशन खत्म होता है। सिंपल वे है ये, आप बुक के तरीका भी फॉलो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि बुक का तरीका आप फॉलो नहीं करोगे। ठीक है जी, तो यहां आपका आंसर खत्म होता है, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लो बच्चों, टू नंबर आर इन रेशियो, दो नंबर कैसे हैं रेशियो में गिवन है, इफ 10 बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच ऑफ देम, अगर दोनों नंबर से 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए देन द रिमाइंडर जो बचता है वो रेशियो में ही बचता है, तो बताओ वो दो नंबर कौन से है। तो हमें दो नंबर नहीं दे रखा, दो नंबर का रेशियो गिवन है, तो हम इस केस में क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर का मैंने आपको सिखाया था एक्स्ट्रा क्वेश्चन में जो मेरा वीडियो नंबर 3 है, वहां पर मेरे लास्ट के जो 4-5 क्वेश्चन थे उसमें मैंने आपको कंसेप्ट प्योरली बताया था। मैंने आपको फिर दोबारा यहां पर मैं कंसेप्ट बता देता हूं, आप इधर देखें कि भाई मैंने कहा भाई 8:16 है, अगर मैं इन दोनों में से 8 को कॉमन निकाल दूं तो मेरा जो रेशियो बन जाएगा वो कैसे बनेगा, मेरा रेशियो बन जाएगा 1:2। तो मैंने कहा भाई मेरे पे दो नंबर है, एक 8 एक नंबर है और एक 16 एक नंबर है, अगर मैं इसको रेशियो में लिखा, मैंने इसमें से क्या कॉमन निकाला, कॉमन निकाला बताओ क्या, कॉमन निकाला 8, तो मेरा रेशियो क्या बन गया, मेरा जो रेशियो बना वो 1:2 बना, मतलब भाई मुझे अगर मैं किसी भी रेशियो को उसके कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं, किसी भी रेशियो के उसके कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा वही ओरिजिनल नंबर आ जाएगा जो मेरा ऊपर था। जैसे कि बताओ इधर रेशियो मेरी कितनी है, 1:2 है, अलग अलग और कॉमन फैक्टर कितना निकाला, 8 निकाला, तो ओरिजिनल नंबर क्या है 8, कॉमन फैक्टर कितना निकालता 8 निकालता तो ओरिजिनल फैक्टर कितना आया 16, तो वही आ गया ओरिजिनल नंबर। तो मेरे को एक फॉर्मूला मिला रेशियो मल्टीप्लाई बाय कॉमन फैक्टर। अगर हम रेशियो में क्या होता है, रेशियो में क्या होता है डियर, रेशियो में आपको कॉमन फैक्टर हटाया हुआ होता है, तो अगर हम वापस कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं रेशियो से तो हमारा वो ओरिजिनल नंबर ही बन जाता है। तो भाई इस केस में आपको क्या करना है, लेट कर लेते हैं इस सोल्यूशन को, और जब भी आपको किसी भी चीज में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है आप रेशियो में डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले ओरिजिनल नंबर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, रेशियो में नहीं होता। तो आप इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट इसमें करा जाएगा, इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करा जाएगा, ठीक है रेशियो में। तो उसको बनाने के लिए हमें कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने कहा लेट द कॉमन फैक्टर बी एक्स, कॉमन फैक्टर को क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया, देन तो भैया मेरा जो नंबर बनेगा वो आ जाएगा बताओ कैसे, 3 × x दैट इज 3x, जो भाई फर्स्ट मेरा नंबर बनेगा, फर्स्ट नंबर वो 3 × x, सेकेंड नंबर क्या बनेगा, सेकेंड नंबर बनेगा 5 × x, क्योंकि 3 × 5 का रेशियो तो 5x हो जाएगा। अब क्या कह रहा है आपसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि अगर मैं दोनों नंबरों में से 10-10 सब्ट्रैक्ट कर दूं, दोनों में से 10-10 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा जो रिमाइंडर बचेगा 1/5 बचेगा, ठीक है ऐसा बोला है कि अगर 3x में भी 10 सब्ट्रैक्ट कर दूं और 5x में भी 10 सब्ट्रैक्ट कर दूं, दोनों में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा रिमाइंडर क्या बचता है। अब इसमें क्या करना है, नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, करो जी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं भाई, 5 को उठा के इधर भेजेंगे तो आएगा 3x - 10 और इधर 5 भेजेंगे 5x - 10 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 15x - 50 और ये हो जाएगा 5x - 10, तो 15x - 5x = -10 + 50, तो भाई ये कितना आया 10x = 40, तो x की वैल्यू ये आ गई 4 आ गई, तो वो दो नंबर फाइंड आउट करने हैं, देयरफोर अभी तो x आया कॉमन फैक्टर, देयरफोर फर्स्ट नंबर जो मैंने बोला था क्या है 3x है, तो अब वो क्या हो जाएगा बताना, 3 × 4 दैट इज 12, पहला नंबर क्या होगा 12 आएगा, दूसरा नंबर क्या होगा सेकंड नंबर जो होगा वो बेटा 5x था,
तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। तो पहला नंबर मेरा, दो नंबर क्या है, पहला 12 है और दूसरा 20 है। ठीक है जी, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। लो भाई, नाइन्थ क्वेश्चन हमारा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्या रहा है द रेशियो ऑफ एन एनुअल इनकम, एनुअल इनकम दे रखी है रेशियो में, ठीक है, और 4:3 दे रखी है, एंड देयर एनुअल एक्सपेंडिचर और एनुअल खर्चे कितने दे रखे हैं, 3:2 दे रखे हैं। तो भाई इफ ईच ऑफ देम सेव 1000 रुपए अ ईयर, और सेविंग कितनी होती है, 1000 रुपए इन अ ईयर होती है, फाइंड देयर एनुअल इनकम। निकालना क्या है भाई, निकालना है आपको एनुअल इनकम, क्या निकालना है, एनुअल इनकम, जो निकालना है उसी के कौन फैक्टर पर मानना है, लेट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा, आपको पता है कि भाई इनकम माइनस एक्सपेंस क्या होते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होते हैं जी, इनकम में से अगर खर्चे हटा दूं तो सेविंग होंगे, ये एक फॉर्मूला पता चल गया आपको भाई, अगर इनकम में से खर्चे हटा दे तो क्या होंगे, सेविंग हो जाएंगे। बट अगर मैं इसको चेंज करूं, सेविंग को लिया हूं इधर, तो मैं कहूं इनकम में से अगर मैं सेविंग माइनस कर दूं तो वो एक्सपेंडिचर के बराबर आ जाएगा। हाँ बेटा, सिंपल सी बात है कि भाई 10 रुपए कमाता हूं, 8 रुपए खर्च हो जाते हैं, तो 2 रुपए की सेविंग होती है, 10 कमाऊंगा 2 माइनस करूंगा तो 8 रुपए का खर्चा नहीं आ जाएगा। ठीक है जी, तो मेरे को फॉर्मूला लगाना है इस वाले, इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब सॉल्यूशन करते हैं कि लेट द कॉमन फैक्टर ऑफ एन इनकम, ऑफ एन इनकम, इनकम के कॉमन फैक्टर को एक्स मान लो, ऑफ एन इनकम बी एक्स। तो ठीक, तो भाई कॉमन फैक्टर की इनकम को क्या मान ली, बी एक्स। तो बताओ ओरिजिनल नंबर क्या होगा मेरा, ओरिजिनल नंबर कैसा आएगा जी, रेशियो मल्टीप्लाई बाय कॉमन फैक्टर। भाई रेशियो, ओरिजिनल नंबर लाने के लिए मेरे को रेशियो कितनी दे रखी है, मेरी रेशियो मुझे गिवन है इनकम की 4:3, तो 4 × x ये हो जाएगा 4x और 3x हो जाएगा 3 × कॉमन फैक्टर है, 4 × 3 में इनकम दे रखी है आपको भाई। बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या कहता है भाई, 4x की इनकम है, 1000 रुपए बचा लेता हूँ, और सेम एज इट इज 3x की इनकम है, 1000 रुपए बचा लेता हूँ, तो खर्चा कितना होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू एक्सपेंडिचर, 3:2 रेशियो का एक्सपेंडिचर है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 = 4x - 1000 और 3 × 3x - 1000 रुपए। भाई मल्टीप्लाई करो, 4×2 = 8x और ये हो जाएगा 2000 = 3×3 = 9x और ये हो जाएगा 3000। भाई माइनस 2000 और माइनस का होगा इधर आके प्लस का, 3000 हो जाएगा, 9x उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 8x हो जाएगा। तो भाई x की वैल्यू क्या आ गई, 1000 रुपीज। तो भाई कितने रुपए के कॉमन फैक्टर बाहर निकाला, 1000 का, इनकम नहीं आई, देयरफॉर भाई एनुअल इनकम कितनी हो जाएगी, देयरफॉर a की जो एनुअल इनकम थी वो 4x थी, तो मैं कह दूंगा 4000 हो गई, और B की जो एनुअल इनकम थी वो 3x थी, तो मैं कह दूंगा 3000 हो गई। भाई बात क्लियर है, समझ में आ रहा आपको, ये भाई इनकम निकल आई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। ये लो बेटा, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसको समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कॉस्ट का, जो आपके फाउंडेशन में अकाउंट्स के लास्ट में पार्ट में है कॉस्टिंग, तो उसका एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो पहले वो लिख लेना मेरे साथ बेटा, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए बताओ मुझे क्या चाहिए। सर किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको मटेरियल चाहिए, मतलब रॉ मटेरियल। जब किसी प्रोडक्ट को हम बनाते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है, और सर बनाएंगे तो हमें लेबर की जरूरत भी है, क्या बनाएंगे तो लेबर, और लेबर को देते हैं वेजेस। तो भाई किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मटेरियल चाहिए, जिनका हम नाम देते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है,
और किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेबर की जरूरत होती है और लेबर को वेजेस दी जाती है और साथ में कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस भी होते हैं और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस भी होते हैं इनको बनाने में। एक तो मटेरियल लगेगा, ऊपर से लेबर, ऊपर से भाई मशीनरी भी चलेगी, उस पर भी खर्चा होगा, लाइटें वगैरह। तो जब हम इनका सम कर देते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस का जब हम सम कर देंगे तो इसके एडिशन को नाम देते हैं प्राइम कॉस्ट। इसके एडिशन को क्या नाम देते हैं? प्राइम कॉस्ट। वहां पर जाके पढ़ोगे आप कॉस्टिंग, ठीक है जी, वहां पर जाके करेंगे। मैं उसकी वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा पूरे कॉस्टिंग की, ठीक है जी। प्राइम कॉस्ट नाम देते हैं। तो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए मटेरियल लगता है, वेजेस लगता है और एक्सपेंस लगता है। तो प्राइम कॉस्ट किसका सम है? तीन जनों का, मटेरियल, लेबर और वेजेस, वेजेस और एक्सपेंस। अगर एक्सपेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम इसको जीरो मान लेते हैं, बट इन दोनों को जीरो ट्रीट नहीं करते, ट्रीट नॉट एज जीरो। भाई ये जीरो नहीं हो सकते, एक्सपेंस को जीरो मान लिया करते कि एक्सपेंस इनडायरेक्ट हो जाएंगे, डायरेक्ट को वहां जाकर डिटेल में समझा देंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं क्या नहीं होता है ना, कॉस्टिंग की क्लास में। तो हमारे को इतना ही सीखना था, तो इसलिए सिखाया। क्यों सिखाया? इधर देखो जरा, पहले तो आप इसको अलग से उतारो बेटा। हमें कहा जी देखो, द प्राइम कॉस्ट, क्या भाई? प्राइम कॉस्ट, वर्ड ही पहला नाम क्या आया? प्राइम कॉस्ट, ये होता है बेटा प्राइम कॉस्ट, बताया? ठीक है जी। सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस एंड एक्सपेंस, एक्सपेंस नहीं दे रखा तो जीरो, मटेरियल जो दे रखा उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। सम ऑफ द प्राइम कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, आर्टिकल मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। वाज थ्री टाइम, कितने टाइम है? थ्री टाइम है द वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज, भाई जितना मटेरियल आप लगाते हो उसका तीन गुना क्या है? प्राइम कॉस्ट है। भाई जितना मटेरियल आपने लगाया उसका तीन गुना प्राइम कॉस्ट है, ठीक है। तो मैंने कहा भाई अगर आप क्या लगा रहे हो, अगर आप एक्स ऑफ मटेरियल लगाते हो और वाई ऑफ वेजेस लगाते हो तो आपका जो प्राइम कॉस्ट होगा वो मटेरियल के तीन गुना बराबर होगा, तो मटेरियल प्राइम कॉस्ट कितना हो गया? 3x। तो सबसे पहले हम आगे बात करने से पहले लेट करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, लेट द मटेरियल बी एक्स और लेट द वेजेस बी वाई। भाई मटेरियल कितने का है? एक्स का, और वेजेस कितना है? वाई है। अच्छा बताओ भाई प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? प्राइम कॉस्ट किसके बराबर है? मटेरियल के तीन, अगर मटेरियल एक्स है तो उसके तीन गुना के बराबर है। और प्राइम कॉस्ट की क्या कहानी है? और प्राइम कॉस्ट भाई मटेरियल और वेजेस के बराबर ही तो होता है, ये दो कंडीशन हमें दे रखी है नहीं दे रखी। प्राइम कॉस्ट किसके बराबर है? एक तो तीन गुना है किसके? मटेरियल के, और एक्स प्लस वाई मतलब मटेरियल वेजेस मिलकर क्या बनता है? प्राइम कॉस्ट। यहां तक बात करें, द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल वाज इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ 3:4। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एंड द प्रोडक्टिव वेजेस, वेजेस क्या हो रहे हैं? वेजेस भी इंक्रीज हो रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 4:3। अच्छा रॉ मटेरियल कितने से इंक्रीज हो रहा है? 3:4 से इंक्रीज हो रहा है। और वेजेस कितने से इंक्रीज हो रहे हैं? 4:5 की रेशियो से इंक्रीज हो रहे हैं। फाइंड द प्रेजेंट प्राइस ऑफ कॉस्ट ऑन एन आर्टिकल, आर्टिकल की क्या कॉस्ट होगी प्रेजेंट में? विच कुड बी फॉर्मली बी मेड, किससे बनता है? 180 रुपए से बनता है, ठीक है जी। तो हमें क्या निकालना है भाई? मटेरियल कितने का लगा और वेजेस कितने के लगे, हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मटेरियल और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेजेस फाइंड आउट करनी है। जब हमारे को टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है? टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है? 180 रुपए। तो मैं एक और बात करूं, टोटल कॉस्ट तो प्राइम कॉस्ट हुई मेरी इधर, तो भाई प्राइम कॉस्ट भी आपको क्या गिवन है? प्राइम कॉस्ट आपको 180 के बराबर है, क्योंकि भाई प्राइम कॉस्ट 180 के बराबर कैसे हुई? प्राइम कॉस्ट से ही तो, प्राइम कॉस्ट के अंदर क्या इंक्लूड होते हैं बताओ? प्राइम कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं वेजेस और मटेरियल। भाई उन दोनों की कॉस्ट निकालनी है मुझे, वेजेस और मटेरियल की, तो उसके अंदर प्राइम कॉस्ट टोटल, उन दोनों का टोटल बता दे भाई, वेजेस और मटेरियल 180 के बराबर है, तो बताओ वेजेस कितना और मटेरियल कितना? भाई तीन इक्वेशन मुझे आपको गिवन होगी, समझ में आया? अब सॉल्विंग इक्वेशन, टेकिंग इक्वेशन,
सॉल्विंग में टेकिंग इक्वेशन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बहुत प्यारा, टेकिंग इक्वेशन थर्ड। भाई आपको क्या निकालनी है, पहले तो देखो आपको निकालनी है क्या डियर, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है बच्चे कि भाई एक्स की वैल्यू, मेटेरियल की कॉस्ट क्या है और वाई की वैल्यू क्या है, अगर वो इंक्रीज हो जाते हैं तब। ठीक है, तो पहले तो निकालो भाई प्राइम कॉस्ट कितने के बराबर है, प्राइम कॉस्ट है 180 के बराबर। अगर प्राइम कॉस्ट 180 के बराबर है तो भाई प्राइम कॉस्ट, और मैं कह सकता हूँ प्राइम कॉस्ट इक्वल टू 3, टेकिंग इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड भी ले सकते हैं इसके अंदर, सेकेंड नहीं फर्स्ट। तो इसमें हमने क्या करा, प्राइम कॉस्ट 3x है तो ये 180, तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई 180 अपॉन में 3, तो x कितना आ गया भाई, x मेरा कितना आया 60, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आई 16 में आई। अच्छा x 16 आ गया, तो प्राइम कॉस्ट, नाउ हमें पता है बेटा प्राइम कॉस्ट बराबर x प्लस y है, और प्राइम कॉस्ट हमको गिवन है बताओ कितना, प्राइम कॉस्ट हमें 180 गिवन है और x मेरे को 60 गिवन है, तो y निकल जाएगा, तो y बताओ मेरा कितना आया 180 माइनस 60, तो y की वैल्यू जो निकली वो कितनी निकली 120 निकली, y की वैल्यू कितनी निकली 120 निकली। यहां मेरी y की वैल्यू फाइंड आउट हुई भाई, x आ गया और y आ गया, अब मुझे क्या निकालना है, देयरफोर x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई, देयरफोर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ x, x की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी भाई, x की वैल्यू कितनी है 60, x की वैल्यू कितनी है 60, और मेरे को बताओ एक बार इधर रेशियो का मतलब समझो बेटा, रेशियो का मतलब समझो, द रॉ मटेरियल वाज इंक्रीज, यहां से पढ़ना चालू करेंगे बेटा, यहां से पढ़ना पड़ेंगे, द रॉ मटेरियल वाज इंक्रीज, रॉ मटेरियल बढ़ रहा है इन द रेशियो ऑफ 3:4, 3:4 मतलब पहले 3 हुआ करता था, पहले 3 था बेटा, 3:4 से बढ़ा ना पहले, इसका मतलब क्या है, पहले जो रॉ मटेरियल था, इधर चेक करो पहले रॉ मटेरियल 3 था, बढ़कर 4 गुना हो गया। ठीक है भाई, यहां समझ में आया, इसका मतलब क्या है, इस रेशियो का मतलब क्या है, रॉ मटेरियल इंक्रीज हुआ 3:4 की रेशियो से, मतलब पहले 3 के बराबर हुआ करता था, अब वो 4 से बढ़ा है, 4 के बराबर होने लग गया, एंड प्रोडक्टिव वेजेस भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं किस रेशियो में, 4:5, मतलब पहले 4 था अब क्या हो गया, अब 5 के बराबर हो गया, मतलब पहले 4 था अब 5 के बराबर हो गया, मतलब मैं कह दूं अगर ये x की वैल्यू जो 60 है पहले किसके बराबर थी, पहले 3 के बराबर थी, अभी किसके बराबर होगी 4 के बराबर हो गई। आ रहा समझ में नहीं आ रहा, अब मैं कहूं भाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ y, y की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, y की प्रेजेंट वैल्यू 120 था, बट पहले कितने के बराबर थी, पहले 4 के बराबर थी, अब ये 5 के बराबर हो गई, इंक्रीज हुआ है ना, तो भाई बताना कितना हो गया, ये तो भाई 80 आया और ये आपके पास 150 आया। लो भाई ये रेशियो अगर आपने समझ ली तो बहुत आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होकर रखे हैं। तो भाई ये आपके पास 80 आपके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ x है, पहले कितना था 60 था, अब कितना हो गया 80, बड़ी है ना, और पहले कितना था 120 था, अब कितना हो गया 150। आया समझ में नहीं आया, ठीक है जी, यहां पर हम क्वेश्चन खत्म करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें मेरे दोस्तों के साथ, उनको भी बताएं कि यहां पर CMA फाउंडेशन क्लास फ्री ऑफ में मिलती है यूट्यूब पर। थैंक यू।